बड़ी खबर हम आपको जनपद अमरोहा के गजरोला से बता रहे हैं। गजरोला पुलिस ने 4,67,000 रुपए की विदेशी करेंसी के साथ किया एक आरोपी को गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरोला के नेशनल हाईवे 24 पर ब्रजघाट स्थित पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को विदेशी करेंसी के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गजरोला पुलिस को गुरुवार दोपहर के समय मुखबिर से सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 24 पर कार सवार एक युवक मुरादाबाद से दिल्ली की ओर विदेशी करेंसी ले जा रहा है। जानकारी पर पुलिस ने नेशनल हाईवे से गुजर रहे वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी और ब्रजघाट स्थित पुलिस चौकी पर संबंधित गाड़ी को रोकते हुए तलाशी ली तो कार में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विदेशी करेंसी डॉलर, रियाल और दिनार बरामद हुई। चेकिंग के दौरान कार सवार आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी कर आरोपी कार चालक को भी पुलिस ने पकड़ लिया और थाने ले आई। इस मामले की पूरी जानकारी होने पर एटीएस की टीम भी कोतवाली गजरोला पहुंच गई और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक आरपी शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी रोहित यादव निवासी जनपद मुरादाबाद के मोहल्ला कंजरी सराय का रहने वाला है, जिसके पास से भारतीय मुद्रा के हिसाब से लगभग 4,67,000 रुपए की विदेशी करेंसी बरामद हुई है तथा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट फारूक अली, PTNI न्यूज, ब्यूरो जनपद अमरोहा, उत्तर प्रदेश। कहाँ लेके जा रहे थे? किसके यहाँ? तुम्हारे पास इसका कुछ लेखा जोखा है? कुछ कागज वागज हैं तुम्हारे पास इसके कुछ? कहाँ कहाँ के पैसा है? कहाँ कहाँ के देश का पैसा है? तो कौन कौन से देश की करेंसी है? अमेरिका और दूसरा सऊदी। अच्छा, उसके अलावा नहीं? उसके अलावा नहीं पता। ठीक है, तो कहाँ लेके जाना तुमको? दिल्ली आना चाहूँगा। किसके यहाँ? राहुल को जानते हो तुम? हैं, ऑफिस पे देना। कितनी बार लेके गए उससे पहले? पहले हैं, पहले कितना ले गए? 18 कितने दिन से तुम इस आदमी से जुड़े हो? 2019 तो ये किसी के ही काम कर रहे हो? काफी में क्या मिलता है तुम्हें? इसका तुम्हें क्या मिलता है? 12 से 15 नहीं, जैसे ये तुम पैसा लेके जाते हो इसका कुछ क्या मिलता है तुम्हें? तो कुछ नहीं मिलता। हमारे पास उसको जब तुम पैसा देते हैं इसके कुछ पेपर्स वगैरह देते हैं ले जाने के साथ में, ले जाने के लिए ऐसे भेजते हैं। जी, गजरोला पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 40,00,000 रुपए भारतीय मुद्रा और 400 से अधिक विदेशी मुद्रा के नोट बरामद किए हैं एक युवक से। इसमें ये युवक मुरादाबाद का रहने वाला है और दिल्ली जा रहा बता रहा था। इसमें पुलिस ने जो करेंसी पाई है उसको मजिस्ट्रेट महोदय की मौजूदगी में सील किया है और इसमें हमने इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी सूचित किया है। इसमें इसकी जांच की जा रही है कि ये पैसा और विदेशी मुद्रा इनके पास कहां से आया और किस उपयोग में लिया जा रहा था। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। जी, इसमें 3 देशों की मुद्रा है, जिसमें कि कुवैती रियाल, सऊदी रियाल और डॉलर की मुद्रा थी। इसके अलावा भारतीय मुद्रा भी इनके पास थी और इस सब मामले की पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है। टोटल रकम में तो विदेशी मुद्रा का तो मुझे नहीं पता कि वो रियाल कितने का चलेगा, अंदाजे से 15,00,000 के करीब है लगभग। इसमें लगभग 40,00,000 रुपए भारतीय मुद्रा में थे और 400 के करीब नोट थे जो कि विदेशी मुद्रा में हैं। जो कुल कीमत इसकी बताई जा रही है विदेशी मुद्रा की वो लगभग 15,00,000 बताई जा रही है। फिलहाल तथ्यों की जानकारी की जा रही है और संबंधित एजेंसीज को पुलिस द्वारा सूचित किया गया है, जिनके द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जिसमें जो युवक इसको ले जा रहा था मुद्रा को, उससे पूछताछ हुई है। उसके पूछताछ के आधार पर जो मुरादाबाद क्षेत्र है वहाँ पर भी हमारी पुलिस टीमें गई है
वहाँ भी जांच की जा रही है। मुरादाबाद पुलिस को भी हमारे द्वारा सूचित किया गया है। सर इसमें ईडी और एडीएस का भी इन्वॉल्वमेंट है? हाँ बता दिया।